We are here to cover the latest case laws given in the RTP of the institute, and these case laws are relevant for both new courts and old courts, paper 7. Normally in case laws mein se do ya teen case laws aapko May 18 exam mein aa jayenge. So RTP mein kuch bhi naya nahi hai except these few case laws. So pehla, acha aap log ye case laws download kar sakte from our website vinodguptaclasses.com. notice board column mein iska link diya hua hai, to wahan se iski soft copy aap download kar sakte hain aur print kar sakte hain. पहला केस लॉ है जहां एक इंडियन कंपनी है होंडा SIEL कार्स इंडिया लिमिटेड, इसने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया विद होंडा मोटर्स जापान, जहां होंडा मोटर्स जापान इसे टेक्निकल नो हाउ देगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग. ये कार्स मैन्युफैक्चर करेगी इंडिया में, इंडियन कंपनी, उसके लिए होंडा मोटर्स नो हाउ देगी, टेक्निकल इंफॉर्मेशन देगी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एटसेट्रा दी जाएगी, और इसके लिए इंडियन कंपनी एक लमसम फीस पे करेगी 5 इंस्टॉलमेंट्स में. अब इंडियन कंपनी इस टेक्निकल फीस को, जो मिलियंस $30 मिलियन की है, उसे क्लेम करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जबकि एओ कहता है दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर टेक्निकल नो हाउ लिया जाता है फॉर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस, देन जो नो हाउ फीस आप पे करेंगे उस टेक्निकल नो हाउ के लिए, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट अगर टेक्निकल नो हाउ लेते हैं आप किस चीज के लिए, फॉर सेटिंग अप अ न्यू प्लांट, देन दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सिंस इन द प्रेजेंट केस इंडियन कंपनी नो हाउ ले रही है फॉर सेटिंग अप अ न्यू प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू कार्स, दिस विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. इस केस लॉ में रेलेवेंट असेसमेंट ईयर था असेसमेंट ईयर 97-98, याद करने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं आपको, ये केस लॉ बेकार है आज, ये केस लॉ बेकार है. क्यों बेकार है? दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज नो मोर रेलेवेंट, क्योंकि सेक्शन 32 अमेंड हो गया था. 1498 से अगर आप कोई भी इंटेंजिबल्स परचेज करते हैं तो इंटेंजिबल्स पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, और इंटेंजिबल्स में क्या आता है आपका, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर. So this case law is no more relevant because इसी झगड़े को खत्म करने के लिए कि नो हाउ फीस कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉ मेकर्स ने सेक्शन 32 अमेंड किया था कि जो भी इंटेंजिबल्स परचेज होंगे 1498 है उसके बाद, दे विल क्वालिफाई एज इंटेंजिबल्स इन द ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल्स टू बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अमेंडमेंट कंस्ट्रक्ट इसलिए नहीं की क्योंकि जो असेसमेंट ईयर था वो 97-98 था, और यह अमेंडमेंट आई थी असेसमेंट ईयर 99-2000 से. सो ये केस लॉ इररेलेवेंट है, इट्स बीइंग ओवररूल्ड. नटशेल में क्या पोजीशन निकलती है, आज आप नो हाउ परचेज करते हैं चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए इंप्रूव करने के लिए या फिर नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बोथ केसेस it will be added to the block of intangibles and will be eligible for 25% depreciation. So first case log baad mein diya hua hai that this supreme court judgment is no more relevant.
सेकंड केस लॉ अगर आपको याद हो आप क्लास में कर चुके हैं, पालम गैस सर्विस 40A1A, वहां लिखा है कि वेयर एनी सम इज पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट, 40A1 कहता है, 40A1A कहता है पेबल टू अ रेजिडेंट। यहां पर असेसी ने कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट कर दी, टीडीएस नहीं काटा। एओ कहता है सिंस आपने टीडीएस नहीं काटा, मैं 30% डिसअलाउ कर रहा हूं 40A1A में। असेसी कहता है आप डिसअलाउ नहीं कर सकते, डिसअलाउ तभी कर सकते हैं अगर अमाउंट इज पेबल ऑन 31 मार्च। आपको याद हो हमने पहले कभी एक केस किया था वेक्टर शिपिंग, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था यस जो पेबल है उसी पर 40A1A लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेक्टर शिपिंग गलत जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन दोनों केस में होती है, अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करें तब भी, एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तब भी। एंड एज पर सुप्रीम कोर्ट इन पालम गैस सर्विस, अगर आपने अमाउंट पे कर दिया है, टीडीएस नहीं काटा तब भी डिसअलाउंस होगी, पेबल है 31 मार्च को, टीडीएस नहीं काटा तो भी डिसअलाउंस होगी। सो क्रक्स ऑफ द जजमेंट इज अगर आप 40A1 या 40A1A में जो अमाउंट पे कर दिया है या जो अमाउंट 31 मार्च को पे करना है, अगर टीडीएस नहीं काटते या टीडीएस जमा नहीं करते, देन दिस अलावेंस विल बी देयर अंडर 40A1 इन केस द पेमेंट इज मेड टू नॉन रेजिडेंट एंड 40A1A इफ पेमेंट इज मेड टू अ रेजिडेंट। सो क्रक्स ऑफ द जजमेंट है कि अमाउंट चाहे पेबल हो या पे कर दिया है, ऑल दो सेक्शन यूजेस द वर्ड पेबल। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों केसेस चाहे पेबल हो या पेड है, दोनों केसेस में अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है या काट के जमा नहीं किया है, डिस अलावेंस अंडर 40A1 एंड 40A1A विल बी देयर। ऑल दो हम सेकेंड जजमेंट क्लास में डिटेल में कवर कर चुके थे, द थर्ड जजमेंट थर्ड जजमेंट में इशू है वेदर रेंटल इनकम अर्न फ्रॉम, थर्ड जजमेंट पेज 2, वेदर रेंटल इनकम अर्न फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्रमिसेस। अच्छा सेकेंड जजमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पालम गैस सर्विस थर्ड जजमेंट है रेंटल इनकम अर्नड फ्रॉम लेटिंग आउट प्रेमिसेस वेदर इट इज टू बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चेन्नई प्रॉपर्टीज केस किया था आपने, चेन्नई प्रॉपर्टीज में था कि अगर आपका मेन बिजनेस क्या है, लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज है, देन इट्स बिजनेस इनकम। यहां केस प्रॉपरली लड़ा नहीं गया, बता दूं क्यों लड़ा नहीं गया प्रॉपर, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं। फैक्ट्स ये हैं कि असेसी ने एक लैंड लीज पर लिया बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से और उस पर 95 शॉप बना दी और 30 स्टॉल बना दी और उनको फिर किराए पर चढ़ा दिया और रेंटल इनकम को असेसी टैक्स करता है अंडर द हेड पीजीबीपी। बाद में एओ इस केस को 148 में खोलता है ऑन द ग्राउंड दैट द इनकम शुड बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो डाउट लॉ ये है अगर मेन बिजनेस आपका लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज है तो रेंटल इनकम इज असेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी पीजीबीपी। प्रेजेंट केस में असेसी कोई एविडेंस नहीं दे पाया था कि मेरी मेन इनकम सिर्फ रेंटल इनकम है, एविडेंस नहीं दे पाया था, उसके वकीलों की कमजोरी थी। असेसी एविडेंस नहीं दे पाया था कि मेरी मेन इनकम इज फ्रॉम रेंटिंग आउट, सिर्फ असेसी ये कहता रहा कि पार्टनरशिप डीड में क्लॉज है जी मेरा,
ये रहा कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि पार्टनरशिप शैल टेक प्रेमिसेस और रेंट टू सबलेट और डू एनी अदर बिजनेस एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन द पार्टीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिर्फ असेसी ये एविडेंस दे पाया, और क्या एविडेंस नहीं दे पाया कि मेन इनकम मेरी लेटिंग आउट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस ग्राउंड पर कि आप एविडेंस नहीं दे पा रहे कि मेन इनकम लेटिंग आउट से है, इसलिए हम इसे टैक्स कर रहे हैं अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सो सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंगली हेल्ड इन दिस केस द इनकम इज टू बी असेस्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड नॉट एज बिजनेस इनकम ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ सफिशियंट मेटीरियल टू प्रूव दैट सब्सटेंशियल इनकम ऑफ द असेसी वॉज फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी उसके वकीलों ने केस हैंडल प्रॉपरली नहीं किया। अगर लॉयर्स क्या प्रूव कर देते कि सब्सटेंशियल इनकम लेटिंग आउट से आ रही है, देन इट विल हैव टू बी असेस्ड अंडर द हेड पीजीपी। नोट में हमने यही कहा हुआ है, चेन्नई प्रॉपर्टीज का रेफरेंस दिया हुआ है कि अगर मेन ऑब्जेक्ट आपका लेटिंग आउट का है और सब्सटेंशियल इनकम लेटिंग आउट से आ रही है, देन द इनकम अनडाउटेडली इज असेसेबल अंडर द हेड पीजीपी। इन द प्रेजेंट केस सुप्रीम कोर्ट ने इसे असेस किया अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज नो एविडेंस प्रोड्यूस बाय द असेसी दैट सब्सटेंशियल इनकम इज फ्रॉम लेटिंग आउट। फोर्थ केस है एक 143(1) होता है आपका इंटीमेशन, जहां एओ प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट्स कर सकता है। वेदर द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर कैन बी कंसिडर्ड डिबेटेबल फॉर नॉट इनवोकिंग प्रोविजंस प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट्स अंडर 143(1), वेयर द ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट हैज टेकन अ व्यू दैट एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर, दो सम अदर हाई कोर्ट्स हैव टेकन द व्यू That it is revenue in nature. Assessee Gujarat को belong, उसकी assessment Gujarat में होती है। Gujarat High Court ने कहा यह expenditure capital expenditure है, not allowed. जबकि और High Courts कह रहे हैं कि allowed है as revenue expenditure. आपको याद हो मैंने बताया था आपको AO is bound by ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट। यही बात इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो यहां क्या था कि एक एक्सपेंडिचर था जो पब्लिक इशू पे किया गया था। असेसी कहता है या तो मुझे 37(1) में अलाउ करिए या 35(d) में 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ करिए। इसी सेम इशू पर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टू बी डिसअलाउड, जबकि वेरियस अदर हाई कोर्ट्स ने कहा कि इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एओ, ये उस जमाने की बात है, ये जजमेंट उस मतलब फैक्ट्स उस जमाने के जब कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग नहीं करता था कंप्यूटर, पहले मैनुअल प्रोसेसिंग होती थी 143(1) में। मैनुअल प्रोसेसिंग जब एओनी की 143(1) में उसने गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट फॉलो करके एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया। असेसी सुप्रीम कोर्ट में गया कि एओ डिसअलाउ नहीं कर सकता था 143(1) में बिकॉज ये तो डिबेटेबल इशू है। आपका क्या व्यू है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला होगा कि एओ जो है वो बाउंड है बाय ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट, एंड देयरफॉर अगर गुजरात के एओ ने गुजरात हाई कोर्ट का व्यू फॉलो करके 143(1) में प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट कर दी है, दैट इज परफेक्टली करेक्ट, दैट इज नॉट डिबेटेबल एज फार एज दिस गुजरात असेसी इज कंसर्न्ड। मैं इसलिए इसे इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा क्योंकि अब तो प्रोसेसिंग कौन करता है, सिस्टम करता है, कंप्यूटर करता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड पेज 3
in the case of the issue, the assessee, the issue was not debatable since the registered office of the assessee is in Gujarat. And the law laid down by Gujarat High Court is binding on the assessee. Or Gujarat High Court ne kaha tha, this is a capital expenditure not allowable. And therefore, this is a capital expenditure. AO has rightly disallowed under 143.1. मेरे हिसाब से ये जजमेंट इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि आज AO 143.1 में एडजस्टमेंट्स नहीं करता. दैट इज डन बाय द सॉफ्टवेयर. फिफ्थ केस लॉ इज इंपॉर्टेंट. इधर देखिए सेक्शन 35D होता है जहां कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अलाउ किया जाता है 5 इंस्टॉलमेंट्स में. वहां जो एक्सपेंडिचर अलाउ होता है टोटल उसे लिमिट करते हैं 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड. 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड. और कैपिटल एम्प्लॉयड डिफाइन होता है एज इशूड शेयर कैपिटल, लॉन्ग डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. सो यहां केस 5 में इशू क्या है देखिए, सेक्शन 35D में कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं जो अलाउ होते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 5 साल में, बट टोटल एक्सपेंडिचर पर एक कैप होती है, लिमिट होती है 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी डिफाइंड होता है टू मीन द इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इस केस में असेसी ने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए थे. इस केस में असेसी ने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए थे और मान लीजिए प्रीमियम था 10 करोड़ रुपया, शेयर कैपिटल था 10 करोड़, शेयर प्रीमियम भी 10 करोड़ रुपया था. बताइए क्या इशू उठा होगा जो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आप शेयर प्रीमियम ऐड करेंगे या नहीं. असेसी ने क्या किया होगा, ऐड किया था ताकि 5% लिमिट ज्यादा आ जाए. तो असेसी ने इस केस में क्या किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर प्रीमियम भी इंक्लूड कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ा लॉ क्लियर है, सेक्शन 35D कहता है इशूड शेयर कैपिटल एंड इशूड शेयर कैपिटल मींस ओनली द शेयर कैपिटल. शेयर प्रीमियम तो हम अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखते हैं. इवन जो शेड्यूल कंपनीज एक्ट का होता है उसमें इशूड शेयर कैपिटल का अलग कॉलम होता है एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का अलग अकाउंट होता है. एंड अकॉर्डिंगली एज पर सुप्रीम कोर्ट शेयर प्रीमियम विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल एंड देयरफॉर शेयर प्रीमियम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड. विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ आएगा इशूड शेयर कैपिटल. एंड फिफ्थ केस इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बर्जर पेंट्स लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट. जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो शेयर प्रीमियम असेसी को मिला है उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी 35D में. कंफ्यूज मत होइएगा जो मैं बोल रहा हूं, उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी 35D में क्या मतलब हुआ, उसे 5% की लिमिट में नहीं लिया जाएगा. जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते हैं उसका 5% इज अलाउेबल एक्सपेंडिचर टोटल. सो शेयर प्रीमियम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड देयरफॉर 5% ऑफ दिस प्रीमियम अकाउंट पर 35D डिडक्शन इज नॉट एलिजिबल. सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज
कि इशूड शेयर कैपिटल डज नॉट इंक्लूड शेयर प्रीमियम एंड देयरफॉर 35D में जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं उसमें आप शेयर प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे, यू विल इंक्लूड ओनली द इशूड शेयर कैपिटल। फिफ्थ केस लो इंपॉर्टेंट मार्क करिए, सिक्स्थ केस लो थोड़ा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इसे पढ़ लेते हैं। वेदर पेमेंट्स मेड बाय एजेंट्स इन इंडिया, एक मिनट सुनिए, एक इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी है उसके इंडिया में एजेंट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड इस इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी के लिए बुकिंग करते हैं, फ्रेट वगैरह कार्गो बुक करते हैं। सो एक इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी है, उसके पूरे वर्ल्ड वाइड एजेंट्स हैं जो उसके लिए पूरे वर्ल्ड में कार्गो बुक करते हैं, पैसेंजर्स वगैरह बुक करते हैं। इंडिया में भी इसके 3-4 एजेंट्स हैं। अब ये जो इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी है इनके पास एक सिस्टम है बुकिंग का, एक पूरा सॉफ्टवेयर है बुकिंग का, वो इन सब एजेंट्स को देती है और इन सब एजेंट से उस सिस्टम को यूज करने का पैसा लेती है। कौन लेती है? फॉरेन शिपिंग कंपनी। और फैक्ट्स में ये पाया गया कि जो इंडियन एजेंट्स ने बुकिंग की वो सारी बुकिंग्स फॉरेन टेरिटोरियल वाटर्स में की है और वो कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन शिपिंग कंपनी बिकॉज ऑफ द डीटीए बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। डेनमार्क को ये फॉरेन शिपिंग कंपनी बिलोंग करती है। अब इशू है जो एजेंट्स पैसा दे रहे हैं फॉरेन शिपिंग कंपनी को फॉर यूज ऑफ इट्स सिस्टम्स ऑफ बुकिंग, इज इट रॉयल्टी, इज इट टेक्निकल सर्विसेज फीस इन द हैंड्स ऑफ द फॉरेन कंपनी? व्हाट इज योर व्यू? नो, ये तो सिस्टम यूज करने का पैसा दे रहे हैं इंडियन एजेंट्स, अदरवाइज उनको खुद सिस्टम खरीदने पड़ते। तो एक तरह से इंडियन एजेंट्स क्या कर रहे हैं? कॉस्ट का रीइंबर्समेंट कर रहे हैं। फॉरेन शिपिंग कंपनी ने ह्यूज कॉस्ट इनकर की होगी सिस्टम पर, सिस्टम आपको यूज करने के लिए दे रही है तो अपनी कॉस्ट रिकवर कर रही है। एंड अकॉर्डिंगली एज पर द कोर्ट दिस इज नॉट इनकम इन द हैंड्स ऑफ द फॉरेन शिपिंग कंपनी। फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। वेदर पेमेंट्स मेड बाय एजेंट्स इन इंडिया, एजेंट्स इन इंडिया पेमेंट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर बुकिंग कार्गो एंड एक्टिंग एज क्लियरिंग एजेंट्स टू यूज अ सेंट्रलाइज कॉम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेन बाय द असेसी कंपनी एंगेज इन शिपिंग बिजनेस कैन बी ट्रीटेड एज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेस। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगेन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द असेसी वॉज अ फॉरेन कंपनी एंगेज इन शिपिंग बिजनेस एंड वॉज अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ डेनमार्क। द असेसी हैड एजेंट्स वर्किंग फॉर इट अक्रॉस द ग्लोब हु बुक द कार्गो एंड एक्टेड एज क्लियरिंग एजेंट्स। इन इंडिया द असेसी हैड 3 एजेंट्स। The assessee had set up and maintained a vertically integrated communication system called Merrick Net System in order to help all its agents. The agents paid for the system on a pro rata basis. The AO contended that amounts paid by the Indian agents were fees for technical services taxable under Article 13(4) of India and Denmark DTA. The assessee argued that the arrangements were merely a cost-sharing system and the payments were only a reimbursement of the expenses. Supreme Court observed that for the sake of convenience
of the agents, the assessee has set up a centralized communication system which is an integral part of international shipping business of the assessee. The expenditure incurred for running the system was shared by all the agents, and the payments to assessee was merely a reimbursement of the cost incurred, expenses incurred. The payments could not be treated as fees for technical services. Moreover, the revenue authorities have accepted the assessee's freight income in the relevant assessment year was not chargeable to tax, as it arose from operation of ships in international waters in terms of Article 9 of India and Denmark DTA. चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं टेक्निकल सर्विसेज है भी, तो टेक्निकल सर्विसेज फीस टैक्सेबल कब होती है इंडिया में? अगर वो इंडिया में यूज कर रहे हैं इनकम अर्न करने के लिए, यहां जो इनकम अर्न कर रहा है एसएससी वो कहां टैक्सेबल है? इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है एज पर द डीटीए बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क, क्योंकि सारी इनकम इंटरनेशनल वाटर्स में आ रही है, जो एज पर डीटीए बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया. सो मोर ओवर द रेवेन्यू अथॉरिटीज हैव एक्सेप्टेड द असेसेस फ्रीट इनकम in the relevant assessment it was not charged to tax as it arose from operation of ships in international waters in terms of article 9 of india denmark dta. once it was accepted and it was found that communication system was integral part of the shipping business, payments received from the agents could not be treated as in lieu of any technical services. The Supreme Court accordingly held that the amounts paid by the agents, Indian agents, to the non-resident company would not be liable to tax as fees for technical services under Article 13(4) of DTA between India and Denmark. Seventh case law, कुछ मतलब facts पर है ये. असेसी के यहां रेड हुई. रेड के बाद असेसी चला गया सेटलमेंट कमीशन. सेटलमेंट कमीशन ने उसका केस 12 दिसंबर 14 को सेटल कर दिया, अपना सेटलमेंट ऑर्डर पास कर दिया, असेसी को इम्यूनिटी दे दी फ्रॉम पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, माफ कर दिया पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन से, प्रोवाइडेड असेसी पे द सम्स लेट से विद इन 2 मंथ्स. कहा कि हम आपकी पेनल्टी प्रोसिक्यूशन माफ कर रहे हैं प्रोवाइडेड you pay the sums due under settlement within 2 months. Assessee ne extension mangi settlement commission se ki mujhe 14 mahine extend kar dijiye period. 14 mahine period extend kiya, kaisa kar dijiye? Payment of sums due under settlement. But settlement commission usse time diya sirf 31 july 15 tak. फैक्ट्स क्लियर है आपको? असेसी सेटलमेंट में गया, केस सेटल हो गया और कहा गया उससे कि 2 महीने के अंदर पूरा सम पे करिए, और अगर आप 2 महीने में पे कर रहे हैं तो हम आपको इम्यूनिटी दे रहे हैं फ्रॉम पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन. असेसी सिंस 2 महीने में पे नहीं कर सकता तो उसने एक्सटेंशन मांगी टाइम की कि मुझे 14 महीने टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए. बट सेटकॉम ने टाइम सिर्फ 6 महीने एक्सटेंड किया 31 जुलाई 15. अब असेसी रिट पेटिशन फाइल करता है दिल्ली हाई कोर्ट में कि सेटलमेंट कमीशन शुड हैव एक्सटेंडेड द टाइम पीरियड बाय 14 मंथ्स. असेसी मुद्दा ये नहीं है, फैक्ट्स है ये सारे. असेसी
हाई कोर्ट में जाता है, रिट पिटीशन फाइल करता है कि मेरा पीरियड एक्सटेंड किया जाना चाहिए था बाय 14 मंथ्स, जो सेटकॉम ने नहीं किया, हाई कोर्ट उसकी रिट डिसमिस कर देता है। हाई कोर्ट उसकी रिट डिसमिस कर देती है। असेसी अब सुप्रीम कोर्ट में जाता है एसएलपी में कि मेरा टाइम एक्सटेंड होना चाहिए था। ये सब झगड़े चल रहे हैं। असेसी सुप्रीम कोर्ट केस में केस पेंडिंग है, 20 जनवरी 16 को सारे टैक्सेस पे कर देता है। लेट पे कर रहा है। टाइम कितना मिला था उसे? 31 जुलाई 15। 20 जनवरी 16 को सारे टैक्सेस पे कर देता है। अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में है कि टाइम एक्सटेंड होना चाहिए। उधर सेटलमेंट कमीशन कहती है कि आपने टाइम पर नहीं पे किया, हम इम्यूनिटी विड्रॉ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है आप ये बात क्यों नहीं खत्म करते, जब सारी पेमेंट हो गई है, जब आपको पैसा मिल गया है, तो एक्सटेंशन वगैरह की क्यों बात कर रहे हैं, बात खत्म करिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसे हैं कि टाइम एक्सटेंड नहीं किया गया। असेसी को पेमेंट करनी चाहिए थी, उसे नहीं की, देर से की है, बट अल्टीमेटली पेमेंट हो गई है। अब हमारे पास इशू आया कि टाइम एक्सटेंड होना चाहिए था, इस चक्कर में पड़ता ही नहीं। अब हम कह देते हैं सिंस पेमेंट हो गई है, ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, विड्रॉ मत करिए, खत्म बात। सो फैक्ट स्पेसिफिक है। द सुप्रीम कोर्ट सो असेसी फाइल रिट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट सीकिंग कॉशिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ द सेटलमेंट कमीशन ऑर्डर ग्रांटिंग पार्शल एक्सटेंशन ऑफ टाइम। बाय द टाइम द मैटर वॉज हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ही पेड ऑल द पेंडिंग अमाउंट्स। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन दैट इन केस द पेमेंट्स आर नॉट मेड विद इन द टाइम ग्रांटेड बाय सेटलमेंट कमीशन और इन केस द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद एनी अदर कंडीशन subject to which immunity was granted, immunity shall stand withdrawn. Supreme Court ने कहा हम law जानते हैं कि अगर time पे payment नहीं करेंगे आप या जो condition लगाई गई है वो fulfill नहीं होंगी तो जो माफी दी गई है वो खत्म कर दी जाएगी आपकी। It is not in dispute. So Supreme Court ने कहा अब यहाँ हमारे सामने जो केस आया किस लिए आया है, time extend करना चाहिए था। उधर सेटकॉम कह रही है कि हम इम्यूनिटी विड्रॉ कर रहे हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट कहता है जब सब कुछ हो गया है, पेमेंट हो चुकी है, बात खत्म करिए एंड लेट्स नॉट विड्रॉ द इम्यूनिटी ग्रांटेड टू द असेसी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। इट इज नॉट इन डिस्प्यूट एट ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय द असेसी ऑन जनवरी 2016 बिफोर अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। Though the time originally granted was only up to 31st July 15, all sums have been duly paid now. There is no need to relegate the assessee to settlement commission. अब क्यों तंग कर रहे हैं मुझसे? Settlement commission has the power to extend the timelines. Hence, in the instant case, it shall be taken that assessee has made the payments within the time granted under 245H. तो Supreme Court ने हम मान लेते हैं कि सेटलमेंट कमीशन ने टाइम एक्सटेंड कर दिया था और पेमेंट हो गई है। बिकॉज मेन क्रक्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पेमेंट है वो मिल चुकी है आपको, तो झगड़ा किस बात का कर रहे हैं, क्यों असेसी को तंग कर रहे हैं बार बार। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट असेसी हैविंग क्लियर्ड ऑल द टैक्सेस ड्यू वाइड ऑर्डर ऑफ सेटकॉम एल्बिट, एल्बिट मीन्स although Supreme Court held that assessee having paid cleared all the taxes due wide order of setcom although after stipulated deadline is immune from prosecution. तो एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाइज स्टेप ले लिया कि ठीक है जब पेमेंट हो गई है, सेटकॉम के पास पावर थी एक्सटेंड करने की,
ये असेसी हमारे पास आए कि एक्सटेंड करना चाहिए था, इस बात को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि पेमेंट आपको मिल चुकी है। ये कह रहे हैं मैं जनरल यूज़ कर सकता हूँ इस केस लॉ को, क्योंकि 30 जून तक पेमेंट की डेट थी, मैंने 5 जुलाई को की है, मैं फिर भी माफ़ी के लिए बात कर सकता हूँ। येस, वन कुड वेरी वेल आर्ग्यू ऑन द बेस ऑफ दिस डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 222E होता है, अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन देती है शेयर होल्डर को, लोन देती है शेयर होल्डर को जिसके पास 10% शेयर्स है, दैट इज डीम्ड एज डिविडेंड, या फिर अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन देती है किसी कंसर्न को जिसमें ये वाला शेयर होल्डर मेंबर है, मैं क्या बोलता था क्लास में, मालिक है, और जिसमें इसकी चलती है, मींस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, देन दिस इज डीम्ड एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द कंसर्न। बताइए कंसर्न में एचयूएफ भी आती है या नहीं, आती है, सेक्शन में लिखा हुआ है कंसर्न इंक्लूड्स एओपी बीओआई कंपनी फर्म एचयूएफ। अब इस के फैक्ट्स क्या थे, इस कंपनी में एचयूएफ शेयर होल्डर है, बट जो शेयर्स हैं वो कर्ता के नाम में इशूड है, एनुअल रिटर्न में कंपनी दिखाती है कि शेयर्स एचयूएफ के नाम में, बट जो शेयर सर्टिफिकेट इशू हुए हैं दे आर इन द नेम ऑफ कर्ता। अब यहां पर आर्ग्यूमेंट होते हैं कि शेयर होल्डर तो कर्ता है एंड लोन दिया गया किसको, एचयूएफ को, टैक्सेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मर्जी बोलिए, अगर आप कहते हैं ये शेयर होल्डर है 10% शेयर है इसके पास, अगर इसको देंगे तो डीम डिविडेंड है, अगर आप कहते हैं लोन इसको दिया गया है ये शेयर होल्डर नहीं भी है तो किस में आ जाएगा ये, इट्स अ कंसर्न जिसमें सच अ शेयर होल्डर इज अ मेंबर एंड इन इट इट हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% वोटिंग मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो आइदर वेज इट इज डीम डिविडेंड either in hands of the shareholder so called karta or the HUF। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरह से आर्ग्यू करिए आप, अगर आप कहते हैं शेयर होल्डर HUF है तो भी टैक्सेबल है, आप कहते हैं शेयर होल्डर करता है तो लोन कंसर्न को दिया गया है जिसमें यह शेयर होल्डर मेंबर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है तो भी टैक्सेबल है। इस केस को इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको पढ़ेंगे। द असेसी इज अ एचयूएफ विच होल्ड्स 37% शेयर्स ऑफ जीएस फर्टिलाइजर्स अ क्लोजली हेल्ड कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट रिसीव लोन्स, इट मतलब एचयूएफ रिसीव लोन्स एडवांसेस फ्रॉम द कंपनी, its return was scrutinized by the AO who treated the loans advances as deemed dividend under 222E. The company declared in its annual return that advances were given to the HUF, but the share certificates were issued in the name of HUF karta, Shri Gopal Kumar Saini. Ab bataiye company ne kya argument liya hoga Supreme Court mein? कि शेयर होल्डर तो कौन है हमारा, गोपाल कुमार है, लोन उसको नहीं दिया गया, एचयूएफ को दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि चलिए हम मान भी लेते हैं एक वक्त एक टाइम को कि गोपाल कुमार शेयर होल्डर है, जो HUF है कंसर्न की डेफिनेशन आता है या नहीं आता है, ये जो शेयर होल्डर है गोपाल कुमार क्या इसका मेंबर है या नहीं मेंबर है, उसका HUF में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है, देन ऑल्सो इट्स डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द कंसर्न. Issue is whether loan given by a closely held company to HUF is chargeable to tax as deemed dividend under 222A despite the stated position of law that HUF cannot be a shareholder in a company. Supreme Court ne kaha, when a loan is given by a closely held company, it is chargeable to tax as deemed dividend if the loan was given to the shareholder having more than 10% shares in the company. Or to a concern in which the shareholder has substantial interest having more than 20% share in the concern, and concern includes the HUF. In the instant case the loans were given to HUF, there was some dispute as to who was the shareholder, the karta ya fir HUF, as the share certificates were issued in the name of karta. But annual return में नाम mention था किसका HUF का. The Supreme Court observed that in either scenario, Section 222E will be attracted. If HUF was a shareholder, as it held more than 10% shares, section is attracted. If Karta was a shareholder, then HUF would be the concern in which the karta has substantial interest, to be section lag jayega. Further on the issue whether HUF can be a shareholder or not, it was observed that on account of explanation 3 to 222E, concern includes the HUF, and therefore this is a deemed dividend under 222E. केस 9 है, मैं पढ़ नहीं रहा, सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी. असेसी का एग्रीकल्चर लैंड था, उस पर असेसी कल्टीवेशन करता था, वो लैंड सरकार ने कंपलसरली एक्वायर कर लिया, वो लैंड सरकार ने कंपल्सरली एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करने के 2 साल पहले तक असेसी उस पर खेती बाड़ी करता था. कुछ याद आया, कैप गेन्स एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1037. गवर्नमेंट ने उसे कंपनसेशन दी अवार्ड की 14.37 लेक्स. अब असेसी इस कंपनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं था, कोर्ट में नहीं गया, वो कोर्ट में नहीं गया, जो कलेक्टर था उसके पास गया और उससे कहा मेरी कंपनसेशन बढ़ाइए, कम है. कलेक्टर के पास पावर होती है, उसने कंपनसेशन बढ़ाकर 38.42 लेक कर दिया. आप बताइए एओ ने क्या व्यू लिया होगा कि कंपनसेशन तो आपके कलेक्टर ने बढ़ाई है, एंड देयरफॉर मैं इस एक्विजिशन को क्या मानूंगा, सेल मानूंगा, एंड देयरफॉर 1037 इज नॉट अवेलेबल, बिकॉज एज पर एओ 1037 इज अवेलेबल ओनली व्हेन द लैंड इज कंपल्सरी एक्वायर्ड. बताइए एओ का कंटेंशन सही है या गलत है, गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही, मैंने पूरा केस नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों मजाक बनाते हैं आप लोग, रेवेन्यू से यही बात कही, जो यहां पर मैं डिलीट क्यों ये बातें, कि क्यों आप बिना बात के लिटिगेशन में जाते हैं, लैंड अगर कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है और कलेक्टर उसकी कंपनसेशन बढ़ा रहा है,
इट इज स्टिल एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट ओनली. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नया एक्ट देखिए जो आया है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट जो आया है, रेफल कार जो एक्ट है, उसमें तो कंपनसेशन बढ़ाने की पावर कलेक्टर के पास ही होती है. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जस्ट बिकॉज लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था और बाद में कंपनसेशन कलेक्टर ने बढ़ा दी, इसका मतलब ये नहीं हुआ इट्स अ वॉलंटरी सेल. इट स्टिल रिमेन्स टू बी अ कंपल्सरी एक्विजिशन एंड देयरफॉर इट्स एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर 1037. रीड द लास्ट पैरा. The Supreme Court observed that the acquisition process was initiated under the Land Acquisition Act, 1894. The assessee entered into negotiations only for securing the market value of the land without having going to the courts. Merely because compensation amount is agreed upon, the character of acquisition will not change from compulsory acquisition to voluntary sale. The court also drew attention to a recently enacted legislation titled Right to Fair Compensation Transparency in Land Acquisition Act Vagera, which empowers the collector to pass an award with the consent of the parties. Despite the provision of consent, acquisition continues to be compulsory. So Supreme Court held that when proceedings were initiated under the Land Acquisition Act, even the compensation is negotiated and fixed by the collector, it would continue to remain as compulsory acquisition. The claim of exemption from cap gains under 1037 is therefore tenable in law and has been validly claimed by the assessee. 10th is most important. आपको याद होगा मैंने बताया था जब 147 असेसमेंट करते हैं तो ऑर्डर में क्या लिखा था, 147/143, यानी 147 में असेसमेंट कर रहे हैं बट इन द मैनर गिवन इन 143(3). मैंने आपको यह भी बताई थी बात कि 147 के लिए 148 देते हैं और एक बार रिटर्न फाइल हो जाती है उसके बाद क्या देते हैं, 143(2) देते हैं. इस केस में यही हुआ, इस केस में 147 में केस खोला गया, असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया 147/143, बट एओ ने 143(2) नोटिस नहीं दिया. अब असेसमेंट हो गई 147 में, असेसी अपील में गया, उसने ग्राउंड लिया अपील में कि असेसमेंट इनवैलिड है क्योंकि 143(2) का नोटिस नहीं दिया गया मुझे. रेवेन्यू कहते हैं सेक्शन है 292(b). अगर नोटिस इनवैलिड है, आप प्रोसीडिंग में कॉपरेट कर जाते हैं, नोटिस बिकम्स वैलिड. डिपार्टमेंट कहता है प्रोसीडिंग्स वैलिड है हमारी क्योंकि असेसी ने कॉपरेट किया. यहां पर कोर्ट ने कहा रेवेन्यू मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है. 292(b) क्या कहता है, नोटिस इश्यू हुआ है, नोटिस इनवैलिड है और अगर आप प्रोसीडिंग में कॉपरेट कर जाते हैं तो नोटिस बिकम्स वैलिड. या तो नोटिस इशू नहीं हुआ, अगर नोटिस इशू नहीं हुआ और आप प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन दैट नोटिस हैज बीन इशूड.
तो कोर्ट ने कहा यहां तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी एओ को असेसमेंट करने की, बिकॉज विदाउट 143(2) यू कैन नॉट मेक 147। जस्ट बिकॉज एसएस ने कॉपरेट किया है यू कैन नॉट सी प्रोसीडिंग बिकम्स वैलिड। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इशू वेदर फेलियर टू इशू नोटिस अंडर 143(2) वुड invalidate the assessment notwithstanding that assessee's participation is there in the proceedings. Would section 292(b) come to the rescue of the revenue if they omit to issue notice under 143(2)? The apex court in assistant CID versus Hotel Blue Moon held that वो अलग चीज थी। द अपेक्स कोर्ट इन असिस्टेंट सीआईटी वर्सेस होटल ब्लू मून हेल्ड दैट विदाउट द स्टैट्यूटरी नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) द एओ कुड नॉट एज्यूम द जुरिसडिक्शन। हियर एओ रिकॉर्डेड हिज इनएबिलिटी टू जनरेट अ नोटिस एज द रिटर्न वॉज नॉट फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। Such defect cannot be cured subsequently since it is not a procedural defect but the one which goes into the root of the jurisdiction. Even though the assessee had participated in the proceedings, in the absence of the mandatory notice, 292(b) cannot help the revenue officers who have no jurisdiction to begin with. Section 292(b) helps the revenue in countering the claims of the assessee who have participated in the proceeding once a notice has been issued. And therefore, since notice issue nahi hua tha, assessee ne cooperate kiya proceedings mein, 292(b) will not make assessment valid. And therefore, High Court declared the assessment to be invalid. 11th case law, very important, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक नई litigation छिड़ गई है, पूरे हिंदुस्तान में एक नई litigation शुरू हुई है। चलिए पहले आपसे बात करता हूं जनरल, मेरा लैंड एक्वायर हुआ 1/1/2001 को, मैंने कोर्ट में अपील की कि मेरी कंपनसेशन बढ़ाई जाए, मुझे यहां सिर्फ 10 लाख मिली थी, कोर्ट में मैंने अपील की, कोर्ट ने 1/1/18 को मेरी कंपनसेशन 50 लाख से बढ़ा दी। इस पीरियड का मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये मेरी कंपनसेशन इंक्रीज हो गई, और मुझे इस पीरियड का रफली 1 करोड़ इंटरेस्ट मिल रहा है। हम लोगों ने क्लास में क्या किया था, 50% टैक्सेबल है, बट 2 हाईकोर्ट जजमेंट्स आ गए हैं, एक अब पढ़ने जा रहे हैं हम, इन दोनों हाई कोर्ट्स ने कहा ये जो इंटरेस्ट मिला है दिस इज टैक्सेबल एज कैपिटल गेन ओनली, क्योंकि ये कंपनसेशन का पार्ट है। सेक्शन 28 होता है लैंड एक्विजिशन एक्ट का, जो कहता है कि अगर 20 साल बाद कंपनसेशन बढ़ाई जा रही है तो सरकार कंपनसेशन के साथ 20 साल का ब्याज भी देगी आपको। असेसी कहता है जी दोनों मेरे कैप गेन हैं एंड कैप गेन मेरे एग्जेम्प्ट हैं, इसलिए एग्जेम्प्ट है पूरा, जबकि रेवेन्यू कहता है 1 करोड़ इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
असेसी कहता है कैबिनेट ने मेरा एग्जेम्प्ट है, मुझे टीडीएस नील काटने का सर्टिफिकेट दीजिए। ईओ कहता है जी नील नहीं काटेगा, मैं तो टीडीएस काटूंगा इस अमाउंट पर, 1 करोड़ पर। इशू समझ में आ रहा है आपको? असेसी क्या कह रहा है? इंटरेस्ट इज कैप गेन। और इन दोनों हाई कोर्ट ने यही बात कही, इन्होंने कहा हमें मालूम है लॉ में लिखा है कि इंटरेस्ट अगर कंपनसेशन मिलता है वो अदर सोर्स में टैक्स होता है। हमें मालूम है 145A में लिखा है इट्स टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। हमें मालूम है 58 में लिखा हुआ है 50% अलाउ का डिडक्शन। हाई कोर्ट ने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो कैप गेन का पार्ट है। हाई कोर्ट ने कहा एक बार कंपनसेशन अवार्ड हो गई उसके बाद डिले होता है। जैसे 1/18 को कंपनसेशन अवार्ड हो गई, इसके बाद सरकार 1 साल बाद पे करती है आपको कंपनसेशन, जो 1 साल का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है अदर सोर्सेस। आप समझ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में क्या लिटिगेशन उठ रही होगी? सभी यही कर रहे हैं कि जो मुझे एनहेंस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट अवार्ड हुआ है दैट इज कैप गेन ओनली। और एओज नहीं मान रहे, हम ये जजमेंट्स कोर्ट कर रहे हैं, सीआईटीपीएस कहता है ये जो दूसरे हाईकोर्ट की जजमेंट हम बाउंड नहीं है इससे। बट गुजरात हाईकोर्ट में गुजरात के जो असेसीज हैं वो तो क्लेम कर रहे हैं बेनिफिट इसका, और आज पूरी इंडिया में लिटिगेशन छिड़ी हुई है। पेटिशनर्स एग्रीकल्चर लैंड्स वर कंपल्सरी एक्वायर्ड पेज 6 फॉर अंडरटेकिंग एन इरीगेशन प्रोजेक्ट। द पेटिशनर चैलेंज द कंपनसेशन अवार्ड बाय द कलेक्टर विच लेड टू अवार्ड ऑफ एडिशनल कंपनसेशन ऑफ 5 लाख एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 20 लाख अंडर सेक्शन 28 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट। असेसी ने एक एप्लीकेशन दी एओ को कि इस इंटरेस्ट पर टीडीएस ना काटा जाए बिकॉज ये कैप गेन है मेरा जो एग्जेम्प्ट है। द पेटिशनर फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द एओ फॉर इश्यूएंस ऑफ अ नील सर्टिफिकेट फॉर टीडीएस। द एप्लीकेशन वॉज rejected by the EO on the ground that interest amount is taxable as income from other sources as per section 57 read with 56(2)(8) and 145A. Agree with the rejection of application, assessee filed a writ before the High Court. High Court observed that assessee has received interest under section 28 of Land Acquisition Act which represents the enhanced value of land and thus partakes द करेक्टर ऑफ कंपनसेशन एंड नॉट इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट होता है जो मुझे मिलता है डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड से डेट ऑफ अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, वो सेक्शन 28 में मिलता है। हेंस द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 इज लायबल टू बी टैक्स्ड अंडर दैट कैप गेन्स एंड नॉट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और यहां पर कैप गेन्स असेसी के एग्जेम्प्ट है। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट अंडर 34 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये कौन सा होता है? एक बार कंपनसेशन अवार्ड हो गई उसके बाद अगर सरकार डिले कर रही है तो डेट ऑफ अवार्ड ऑफ कंपनसेशन से लेकर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन का इंटरेस्ट पे होता है, वो कोर्ट ने कहा वो टैक्सेबल होता है एज अदर सोर्सेस। On the other hand, interest under Section 34 of Land Acquisition Act is for delay in making the payment after the compensation amount has been determined. Such amount is liable to be taxed under the head other sources. The court held that interest awarded under Section 28 of Land Acquisition Act was not liable to be taxed under the head other sources. And thus, no TDS, the revenue authority has erred in not giving a nil TDS certificate. 12th case law की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, आप खुद लोग बता देंगे।
असेसी ने प्रॉपर्टी सेल की 16 लाख रुपए की। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी ने इसकी वैल्यू निकाली 233.71। एओ ने इसका डिफरेंस टैक्सेबल कर दिया, टेकिंग दिस एज अ सेल प्राइस। एओ ने केस को रेफर कर दिया था डीवीओ को। व्हाट इज डीवीओ? डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर। और जब एओ ने असेसमेंट कंप्लीट की ये फिगर लेकर, तब तक डीवीओ की रिपोर्ट नहीं आई थी। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद डीवीओ की रिपोर्ट आ गई, जहां डीवीओ ने प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली कितनी, 24.15 लाख। अब बताइए एओ को कैब के लेने के लिए निकालने के लिए कौन सी फिगर लेनी चाहिए? यही लेंगे। यही बात 50C बोलता है कि अगर केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर हो गया है, वैल्यूएशन ऑफिसर कम वैल्यू निकालता है, द वैल्यू डिटरमिन बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर विल बी टेकन एज अ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। यही बात कोर्ट ने की कि 50C फॉलो करना चाहिए था आपको तो, एंड देयरफॉर एओ इज इनकरेक्ट इन टेकिंग दिस वैल्यू। अगर असेसमेंट ऑर्डर पास भी हो गया है तो अपना असेसमेंट ऑर्डर चेंज करिए बाय टेकिंग द वैल्यू डिटरमिन बाय द डीवीओ, बिकॉज 50C बाइंडिंग करता है एओ पर कि वैल्यू डिटरमिन बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर विल बी टेकन एज द सेल प्राइस एज पर 50C। नेक्स्ट केस लॉ है एक पार्टनरशिप फर्म है, सुनिए प्लीज, page 7 case number 13। केस बाद में पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिए। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कुछ इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं और दो पार्टनरशिप फर्म्स भी पार्टनर्स हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कुछ इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं और दो पार्टनरशिप फर्म्स भी पार्टनर्स हैं। इस पार्टनरशिप फर्म की असेसमेंट होती है, फर्म की तरह असेस होती है, और ईओ बड़े सारे डिस अलाउंसेस कर देता है। असेसी अपील में जाता है डिस अलाउंसेस के अगेंस्ट। CIT अपील कहता है डिस अलाउंसेस तो मैं देखूंगा, बट आप तो फर्म ही नहीं है, यू शुड बी असेस इन द स्टेटस ऑफ AOP। क्योंकि CIT अपील्स कहता है जी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर बिकॉज फर्म इज नॉट अ पर्सन एट ऑल। एंड ये बात एस्टेब्लिश्ड है कि फर्म पार्टनर नहीं हो सकती। अगर फर्म पार्टनर बनी है, इट इज नो मोर अ फर्म, इट बिकम्स अ AOP। अब CIT अपील्स अपील में स्टेटस के चेंज करना चाहता है फर्म का फ्रॉम फर्म टू AOP। असेसी कहता आप अपील में मेरा स्टेटस नहीं चेंज कर सकते। बताइए क्या CIT अपील्स हैज अ पावर टू चेंज द स्टेटस? यस, कोर्ट ने कहा CIT अपील्स के पास वो सारी पावर है जो AO के पास होती है। AO हैज द पावर टू चेंज द स्टेटस। आपने गलत स्टेटस में रिटर्न फाइल की है, आपको सही स्टेटस में असेस कर सकता है। सेम पावर इज अवेलेबल विद द CIT अपील्स ऑल्सो। एंड देयरफॉर अगर AO ने आपको फर्म के स्टेटस में असेस किया, CIT अपील्स देखता आप फर्म नहीं AOP हैं, CIT अपील्स हैज द पावर टू चेंज द स्टेटस ऑफ द असेसी फ्रॉम फर्म टू AOP। हो भी गया, चलिए
केस नंबर 14 मैंने उड़ा दिया है, डिसीजन उड़ा दिया इसका, चलिए पढ़ेंगे नहीं आप बताएंगे। असेसी एटीआई सीरीज की डिडक्शन क्लेम कर रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीजीएपी। एओ असेसमेंट में कुछ डिसअलाउंसेस कर देता है, कैश पेमेंट किया 40A3 में, टीडीएस नहीं काटा 40A1 में, डिसअलाउंस कर दिए। असेसी के पहले पीजीपी भी आ रहे थे 100 लाख और एटीआई भी क्लेम कर रहा था 100 लाख। अब एओ ने असेसमेंट में बढ़ा कर ये 130 लाख कर दिए। याद आया कुछ इशू? क्या डिडक्शन 130 हो जाएगी? यस। ये बात तो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के सर्कुलर ने बोल दी थी, तो मैंने जजमेंट की जगह वही सर्कुलर रिप्रोड्यूस कर दिया है कि एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर, जहां बिजनेस इनकम बढ़ती है तो चैप्टर 6 डिडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। देखिए कम करिए, अब पुट अ फुल स्टॉप टू एवरीथिंग नाउ, कुछ और मत पढ़िए, जितना पढ़ लिया बहुत है, बहुत है। अब और कुछ मत देखिए, जो आपके क्लास नोट्स वगैरह हैं जो आपने किया है उसी को कंसोलिडेट करिए, ठीक है। इन केस लॉस को एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉर्मली इसमें से 2-3 केस लॉस एग्जाम में आ जाते हैं। सो विद दैट आई लाइक टू कंक्लूड द सेशन, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस इन द एग्जाम्स एंड इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच।